नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं लखीमपुर खीरी से, जहां तिगुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी थी और साथ ही एक सप्ताह के अंदर हाजिर होने के लिए भी कहा था। तो वही एक सप्ताह से एक दिन पहले ही आज रविवार को अचानक ही उन्होंने रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। इससे पहले लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते की मोहलत दी थी। अदालत ने यह भी कहा था कि हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई है और हाईकोर्ट दोबारा इस पूरे मामले को सुने। चीफ जस्टिस एनवी रमन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हीमा कोहली की पीठ द्वारा सोमवार को यह फैसला लिया गया था। और अब गौरतलब है कि किसानों का एक समूह बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य के विरोध में पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था, तभी लखीमपुर खीरी में एक कार ने 4 किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था। और वहीं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भगवंत मान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली कटौती के मुद्दे पर सिद्धू भगवंत मान की सरकार के खिलाफ नाभा थर्मल प्लांट के सामने पूर्व विधायक के प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। हालांकि पंजाब पीसीसी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा को इस विरोध प्रदर्शन की जानकारी नहीं है और वो इस धरने में मौजूद नहीं रहेंगे। राजपुरा के विधायक और पूर्व विधायक हरदयाल सिंह इस धरने पर इसका आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमने इस धरने में शामिल होने के लिए किसी को भी अलग से न्योता नहीं भेजा। जब सिद्धू को मालूम चला तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो इसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए। साथ ही उन्होंने आगे ये भी बताया कि मैंने हर किसी से इस धरने में शामिल होने की अपील की। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू इसके बाद काफी एक्टिव हो गए और लगातार भगवंत मान की सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बन रहे हैं। बता दें कि कोयले की कमी के चलते राज्य भर में बिजली कटौती देखने को मिल रही है। धान की फसल का सीजन शुरू होने से पहले ही ये काफी गंभीर मुद्दा बन गया है, इसीलिए हरदयाल ने थर्मल प्लांट के सामने ही विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। हालांकि कांग्रेस के ज्यादातर नेता इस धरने से दूरी बनाकर रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि जो भी नेता पार्टी लाइन से अलग चलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। और अलवर जिले में कठुमर उपखंड में स्थित एक मेथाना प्रशासन ने आधी रात को गौशाला पर बुलडोजर चलाकर तोड़े जाने से सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण बताकर जमीन को खाली करवाया। बताया जा रहा है कि ये गौशाला परसों से 400 गौवंश को संरक्षण दे रहा था। इस गौशाला को सरकार के अनुदान भी मिलते थे और ऐसे में की गई इस कार्रवाई पर अब स्थानीय सरपंच और विधायक के दबाव में कार्रवाई किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वही रात के करीब 12 बजे फिर प्रशासन गौशाला पहुंचा और वहां से संचालक और अन्य लोगों को खदेड़ दिया गया। उन्हें अपना सामान तक नहीं उठाने दिया गया। बताया जा रहा है कि अलवर के कठुमर में मैथाना में स्थित हनुमान मंदिर और एकमात्र गौशाला पर प्रशासन ने ये बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। हनुमान मंदिर और गौशाला को ध्वस्त करते हुए 40 बीघा जमीन को मुक्त कराया गया। साथ ही गौशाला ध्वस्त होने से करीब 400 गौवंश बेहाल स्थिति में आ गए हैं और भूख प्यास से व्याकुल हो गए हैं। इस मामले में अब प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई से चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बताया जाता है कि राजनीतिक दबाव के चलते इस कार्रवाई के किए जाने के आरोप लग रहे हैं। तो वही शनिवार को प्रशासन ने देर रात करीब 12 बजे फिर से गौशाला पर बुलडोजर लेकर वो पहुंचे और वहां पर मौजूद संचालक को गौशाला से खदेड़ दिया गया। उन्हें अपना सामान तक नहीं उठाने दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से खबर सामने आई है, जहां पर राम मंदिर निर्माण के कार्यधर्ता महंत नृत्य गोपाल दास की रविवार को हालत गंभीर हो गई है। इसी के बाद उन्हें लखनऊ में मेदांता अस्पताल भर्ती कराया गया। 84 वर्षीय महंत नृत्य गोपाल मंदिर निर्माण के कर्ता धर्ता होने के साथ ही राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य को लेकर मेदांता अस्पताल की ओर से एक हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया है।
हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि महंत नृत्य गोपाल दास को मूत्र नली के संक्रमण और गुर्दे की गंभीर समस्या है। अस्पताल पहुंचने के बाद ही महंत नृत्य गोपाल दास का इलाज डॉक्टर द्वारा तुरंत शुरू कर दिया गया। डॉक्टर्स ने बुलेटिन में यह भी बताया कि महंत को क्रिटिकल केयर विभाग के चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और स्थिति चिंताजनक है। और हफ्ते के पहले ही दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। बीएसई का सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज्यादा टूटकर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 16,950 के नीचे आ चुका है। इसमें करीब 1.4% की गिरावट है, तो वहीं सेंसेक्स ने 57,000 का अहम लेवल तोड़ दिया है और ये लेवल अब 56,512 के केवल पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आज बाजार की शुरुआत ही लाल निशान में हुई और प्री ओपनिंग में ही इसका संकेत मिल गया था। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट की हुई और आज एशिया के बाजारों में कमजोरी का असर घरेलू शेयर बाजार पर देखा जा रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत में बीएसई का सेंसेक्स 439.51 अंक की गिरावट के साथ 56,757.64 पर खुला है। बात शुक्रवार की जाए तो यहां पर 57,197 लेवल पर यह बंद हुआ था, जबकि आज एनएससी का निफ्टी 162.9 अंकों की गिरावट के साथ 17,009.5 पर खुला है। शुक्रवार को यह आंकड़ा 17,171 के लेवल पर बंद हुआ था। आज की बात की जाए तो आज ट्रेडिंग जर्नी में ओपनिंग के बाद कुछ ही मिनटों के बाद निफ्टी में 50 में से 45 शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। केवल 5 ही शेयर ऐसे हैं जिनमें तेजी के हरे निशान पर वो कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहां पर 146 अंक यानी 0.41% की गिरावट के साथ 35,897 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा है कि उनकी सरकार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए संसाधनों के उचित उपयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण और समग्र विकास की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर उन्होंने एरी रामपुरा जालौन में करीब 1100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी का एक ग्राम स्वराज का सपना तभी साकार होगा जब हमारी पंचायतें आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त होंगी। अगर सभी 58,000 ग्राम पंचायतें सकारात्मक विकास उन्मुखी कोण के साथ काम करती हैं, तो प्रत्येक नागरिक प्रत्येक गांव नए भारत की समृद्धि में योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने गांव को स्मार्ट गांव में बदलने पर जोर देते हुए ये भी कहा कि उनकी सरकार जमीनी स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और हर ग्राम में ऑप्टिकल फाइबर और वाईफाई की सुविधा के लिए ग्राम सचिवालय की स्थापना की दिशा में काम कर रही है। खबर बस्ती से है, जहां बस्ती जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस के रौब को चुनौती देते हुए कुछ बाइक सवार दो बदमाशों ने क्लास 7 में पढ़ने वाली एक छात्र को धोखे से किडनैप कर लिया और उसके बाद फरार हो गए हैं। इस बात की जानकारी अगवा हुए बच्चे के परिजनों को तब हुई जब किडनैपर्स ने अपहरित बच्चे के पिता को फोन करते हुए 50 लाख की फिरौती मांगी। फिर क्या था, पुलिस हरकत में आई और इस मामले को गंभीरता से देखते हुए तहकीकात की गई। दरअसल बस्ती जनपद के रुधौली थाना क्षेत्र में कस्बे से एक बच्चे का बड़े ही फिल्मी अंदाज में अपहरण किया गया। अपने घर से कुछ ही दूरी पर सब्जी लेने के लिए गए अनिकेत को पहले सड़क की दूसरी तरफ खड़े बाइक सवार दो युवकों ने बुलाया, फिर उसे बाइक पर बिठाकर रफू चक्कर हो गए। इसके कुछ ही देर बाद अनिकेत के पिता के मोबाइल पर फोन आया कि अपने बच्चे का अपहरण आपका कर लिया है और बच्चे को सही सलामत देखना चाहते हो तो 50 लाख की रकम तैयार कर लो। और इस फोन के बाद ही अनिकेत के परिवार में कोहराम मच गया। अनिकेत के पिता ने सारी जानकारी रुधौले थाने पर दर्ज करा दी है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ोतरी के साथ देखे जा रहे हैं। यहां पर दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। वहीं यूपी में भी कोरोना की रफ्तार पिछले 2 दिनों से थमती नजर नहीं आ रही है और ऐसे में बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 213 नए केस सामने आए। तो वहीं इस दौरान राज्य में 2 मरीजों की मौत भी कोरोना से हो गई है। यूपी में पिछले कुछ ही दिनों के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है।
तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान रविवार को भी 213 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में जबकि शनिवार को राज्य में 226 और शुक्रवार को 188 नए संक्रमित पाए गए, जबकि गुरुवार को राज्य में 205 नए कोरोना के मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना से 2 लोगों की जान गई है। शनिवार की बात करें तो शनिवार को एक भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई थी। और राज्य के विभिन्न जिलों की बात करें तो NCR, नोएडा और गाजियाबाद से सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान नोएडा में 98 नए केसेस मिले, जबकि गाजियाबाद में 56 नए कोरोना मरीज मिले हैं। और इसके अलावा आगरा में 15, लखनऊ में 10, मेरठ में 8 और नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई है। लखनऊ और NCR के नोएडा, गाजियाबाद जिलों में भी समेत कुल 7 जिलों में ऐसे मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो वही खबर रायबरेली से है, जहां कोरोना की चौथी लहर को लेकर जहां राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, तो वहीं आम लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। रायबरेली में जिला अस्पताल में अचानक निरीक्षण के लिए CMS पहुंची और यहां ज्यादातर मरीज और कर्मचारी बिना मास्क के नजर आए। हालांकि CMS ने इसे लेकर किसी को बिना डांटे मास्क सौंपे और इसके महत्व के बारे में बताया है। आजकल मौसम अब गर्मी का आ गया है, तो जाड़े से जब गर्मी का मौसम आता है तो थोड़े से चेंजेस आते हैं, तो हम लोगों ने फिर ठंडा शीतल जल की व्यवस्था की है मरीजों के हित में। और उन लोगों को मैंने मास्क के लिए कहा, जितने मरीज आते हैं अभी उनको थोड़ी सी मास्क लगाने में दिक्कत हो रही है, तो उनको समझाते हैं कि भाई आप मास्क लगाएं, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है, उसकी सुरक्षा अपनी सुरक्षा करिए, मरीजों की सुरक्षा, तो मास्क लगाएं। और सारी व्यवस्थाएं देखी हैं, साफ सफाई हमारी अच्छी है, जांचे हो रही, अमरनाथ यात्री लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्था को और रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र के डेपारमा गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई है। आग लगने से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जबकि आपको बता दें कि तेज हवाओं के बीच डेपरमाव गांव के कई किसानों के खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। इससे कई बीघे गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई, जबकि गेहूं के साथ ही गेहूं काटने के बाद खेत में पड़ा भूसा भी जल गया है। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं सैकड़ों ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। फतेहपुर के थाना चांदपुर के मावैया के मजरे अयोध्या के डेरा गांव में आज सुबह लगभग 4 बजे ज्वलते दीपक से राकेश निषाद के घर में आग लग गई। आग लगने की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आग की घटना से राकेश निषाद की 2 साल की बेटी स्वाति देवी की जलकर मौत हो गई है। तो वही राकेश निषाद की 4 साल की बेटी रागिनी देवी भी गंभीर रूप से झुलस गई, जिसको लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग की विकराल लपटों में 5 बकरियां भी आ गई हैं, जिनकी मौत हो गई। आग लगने की घटना के बाद से ही हड़कंप का माहौल है, लेकिन बताया जा रहा है कि राकेश निषाद सुबह 4 बजे अपने दोनों पुत्रियों स्वाति देवी और रागिनी के साथ सोते हुए उन्हें घर में छोड़ गए थे और उसी समय दीपक जल रहा था, तो राकेश निषाद अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेत में गेहूं काटने चला गया। इधर जलते दीपक से घर में आग लग गई और बड़ी दुर्घटना हो गई है। और उत्तर प्रदेश के बरेली में कई नामचीन स्कूल बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं। इसी को लेकर अब BSA विनय कुमार ने बरेली के कई स्कूलों को नोटिस जारी किया है और कहा कि जिन स्कूलों की मान्यता खत्म हो गई है तत्काल ही उसे रिन्यूअल करा ले। और वहीं पर सेंट मारिया और हार्टमैन कॉलेज के साथ साथ कई स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि कई बरसों से चले आ रहे थे ये स्कूल और इसी के साथ ही अवैध फीस वसूली और ड्रेस को लेकर स्कूल में गोरख धंधा चल रहा था। तो वही कई स्कूलों की मान्यता ICSE बोर्ड की तरफ से ये मान्यता जारी की गई थी, लेकिन जब सेंट मारिया के प्रिंसिपल सुनीता माओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल की मान्यता एग्लो इंडियन बोर्ड से जारी की गई है और अब BSA विनय कुमार स्कूलों की इन मान्यताओं को लेकर भी सभी स्कूलों में जांच करवा रहे हैं। इस तरह से अभी जो शिकायत आई थी 3-4 स्कूलों की आई थी कि ये जो है सर मान्यता इनकी खत्म हो गई है,
अगर मान्यता खत्म हो गई है तो उसका रिन्यूअल का भी प्रावधान है। आप हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन आवेदन होता है, आवेदन करने के बाद उसका रिन्यूअल कराया जा सकता है। नहीं, इनका ये कहना है, जैसे जो आप जिस स्कूल के विषय में बता रहे हैं सेंट मारिया और तमाम, इनका ये कहना है कि सर पहले हमारी मान्यता ICSE बोर्ड से थी, फिर एंग्लो इंडियन इंस्पेक्टर के यहाँ से थी, तो वहाँ से जो है हम लोगों ने वहाँ से भी प्रपत्र मंगाया है, क्योंकि अब मान्यता जो होती है या तो बेसिक से होगी या माध्यमिक से होगी, और अगर वो प्रपत्र दे देंगे तो हम परीक्षण कर लेंगे कि उनकी मान्यता वैध है कि नहीं, और वैध है तो कब तक। बरेली के थाना कैंट क्षेत्र के गांव ठिरिया का ये मामला है, जहां पर यहां का रहने वाला मोहम्मद हरनान ने एक ईमानदारी की मिसाल कायम की है। ये बच्चा 10 साल का है और छठवीं का छात्र है और परिवार की आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसके पिता गांव में ही परचून की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और आपको बता दें कि अपनी माँ के साथ ये कुछ खरीदने के लिए बाजार गया था। मोहम्मद हरनान उसी समय एक टेम्पो में से एक पैकेट गिरा और टेम्पो चला गया। बच्चा पैकेट उठाकर टेम्पो में बैठी हुई सवारी को वापस करने के लिए दौड़ा और लेकिन वो असफल रहा। तो वहीं वो पैकेट उठाकर उसने अपनी माँ को दिया और उस पैकेट में आपको बता दें करीब 5 लाख कैश पैकेट में मौजूद था। और उन दोनों ने ही सोचा कि पता नहीं अब किस मुसीबत में ये पैसा कोई ले जा रहा होगा, इसीलिए उसे लेकर वो लोग मस्जिद में जाकर अनाउंस करवाया और इसी के साथ ही वो पैसे वापस किए गए। जो कैरिकुलम के अलावा जो शिक्षा दी जा रही है मॉरल साइंस बेसिकली, तो उसके तहत हम बच्चों को जो अच्छी चीजें हैं वो कैसे वो करें, ठीक है, उसको हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं, बता रहे हैं बच्चों को, और उसी का एग्जांपल है उसका, उस थ्योरी का ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो इस बच्चे ने यहाँ पे किया कि उसके जो भी 5 लाख रुपए उसके मिले उसे और उसने उसको वापस किए। कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? ये बच्चा क्लास 6 में है, इनका नाम मोहम्मद हन्नान है। कहाँ का रहने वाला है? ये यही ठिरिया निजावत खां का रहने वाला है। क्या कहेंगे ऐसे बच्चे के भविष्य के लिए? ऐसे ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए देखिए, ये इनका उज्जवल भविष्य है, ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इनको सपोर्ट करने के लिए आ रही हैं और इसी बेसिस पे आ रही हैं कि जो इन्होंने ईमानदारी का अपना परिचय दिया है, ठीक है, बहुत लोग इनकी मदद कर रहे हैं और इसको मतलब हमें हाईलाइट भी करना चाहिए और ये एक हमारे जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए एक शिक्षा है, ठीक है, उनको उनके लिए एग्जाम्पल सेट किया है हन्नान ने कि उनको भी ये अच्छे काम करने चाहिए लाइफ में। आपने क्या क्या मदद का प्रावधान बनाया है? हमारे स्कूल की तरफ से हमने इसको 1 साल की फीस माफ की है। एक मामला बरेली के थाना कैंट का है, जहाँ पर एक गांव है ठिरिया निवाजत का, वहाँ का बच्चा सावरी स्कूल में पढ़ता है, कक्षा 6 का बच्चा है वो, लेकिन उसने एक ईमानदारी की मिसाइल को कायम किया है और सारे स्कूलों को प्रेरणा भी दी है। उसका कहना है कि एक 5 लाख रुपए का बैग हमें मिला था, उस बैग के लेके हम पीछे भागे थे, उसके बाद जो उसने अपनी माँ को दिया, माँ ने मस्जिद में ऐलान कराया कि वो पैकेट को वापस कर दिया। आज हम उस बच्चे से मिलने की कोशिश करते हैं, मिलेंगे उससे, जानना चाहेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके परिवार से बातचीत करेंगे कि ये प्रेरणा उसे कहाँ से मिली, किसने दी। आइए हम एक बच्चे से हंसने हैं, नाम है उनका, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हरनान, हरनान जी क्या नाम है आपका? कहाँ पढ़ते हैं आप? क्या हुआ था कल आपके साथ, ये बताइए। आपने 5 लाख रुपए पैसे वापस किए, शायद आप अगर उसे उन्हें रख लेते तो शायद थोड़ी सी मजबूरियां, जो आप गरीबी हालात से गुजर रहे हैं, शायद कुछ मजबूरियां आपकी हल हो जाती। जी बताइए, क्या क्या आपके मन में क्या क्या सूझा इस तरह का जो आपने पैसे वापस किए? जिसके गिरे थे उसके लिए चले। आप बोलिए शर्मा ये बात बोलिए, क्या 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 कहना चाहेंगे? और अपने साथ के बच्चों से, अपने स्कूल के बच्चों से क्या आप अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की अगर कोई चीज मिले तो वो उसी के हाथ पहुंचे, जो हो सकता है वो हमसे ज्यादा गरीब हो, तो बताइए आप बताइए। जिसकी चीज होती है उसी को मिलना चाहिए। जी आइए हम जो है ना इनकी माँ से बात करते हैं। इनका माँ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस रोल में, बच्चे के लिए इतनी शिक्षा, इतनी ईमानदारी, क्योंकि ये जो है बच्चा ईमानदारी का एक स्रोत है और ये माँ ने ही, ये बच्चे के हुनर जो है माँ से ही पैदा होता है। माँ से हम जानने की कोशिश करते हैं, माँ
के साथ किया होगा, बताइए क्या नाम है आपका? सर तरन्नुम। तरन्नुम जी, कैसे पैसे मिले थे आपके लिए और किस तरीका से आपने जो है 5 लाख रुपए वापस किए? हो सकता है आपको वो 5 लाख रुपए कुछ भी हो सकता था, आप कुछ भी कर सकते थे, आप जिस हालात से गुजर रही हैं आपके लिए काफी फायदा हो सकता था जी। क्या कहेंगे, कैसे मिले पैसे आपको? सर बस बेटे को कुछ काम से भेजा था मैंने, वो लेकर आए, बोल रहे थे कि हमने गिरते हुए देखा ऑटो से और हम पीछे भी गए लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। ऑटो पकड़ नहीं पाए, ऑटो निकल गया जी। फिर मैंने बोला पता नहीं कौन हो, वहां से बाहर खड़ा कर दिया था इन्हें कि जहाँ गिरे हैं शायद ढूंढते हुए आ जाए वो यहाँ। तो कुछ टाइम बाद अनाउंसमेंट हुआ, फिर मैं गई वहां से लेकर मस्जिद में अनाउंसमेंट हुआ जी। फिर उन्हें बुलवाया कि पैसा मिल गया आपका मेरे पास है। ये हम ये जानना चाहेंगे, स्कूल जिसमें ये बच्चा पढ़ता है, स्कूल ने क्या 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 सुविधाएं दी हैं इसके लिए? कितना कितनी फीस माफ की है? सर पूरी इयर्स की, एक साल फीस, यूनिफॉर्म और सिलेबस भी। सिलेबस भी माफ किया जी। तो ये थी हमारे साथ उस बच्चे की माँ, और वो बच्चा भी है, पिताजी इनके है नहीं, पिताजी गायब हुए हैं। हालात भी ज्यादा बढ़िया नहीं है, नहीं कहेंगे ज्यादा बढ़िया, लेकिन स्कूल की तरफ से भी इन्हें एक साल की फीस माफ की गई है, सिलेबस भी फ्री दिया गया है और जो है ड्रेस भी फ्री दी गई है। आर्य न्यूज के लिए रूपेंद्र कुमार, बरेली।